ये तो आप सबने सुना होगा कि अजवाइन का पानी पीने से आपका वेट लॉस होता है, लेकिन कई लोगों को ना इसका स्वाद पसंद नहीं आता, क्योंकि ये जो काफ़ी तीखा टाइप का हो जाता है और गले में ऐसे लगता हुआ सा जाता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग उसको पीना पसंद नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी अजवाइन का पानी बनाने का, अगर आपने इस तरीके से इस पानी को बना लिया ना, तो एक तो आपको इसका टेस्ट पसंद आने लगेगा, डेफिनेटली वेट लॉस में तो ये आपको हेल्प एज इट इज़ करेगा ही करेगा। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको आप गर्मियों के टाइम में भी पी सकते हो। अगर आपने इसको एक बार पी लिया ना, तो ये आपका फेवरेट समर ड्रिंक बन जाएगा। जी हाँ, लेकिन आपको इसको किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार मेरे चैनल पर आते रहती हैं। अगर आप अजवाइन का पानी पहले भी बना के पी चुके हैं और इससे आपको एलर्जी हुई है, या आपको स्किन पे पिंपल्स वगैरह आए हैं, या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि गर्मी का टाइम चल रहा है तो अजवाइन पीने से कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए किसी तरीके की, तो एक बार इस तरीके से इस पानी को ज़रूर बना के देखिए और कम से कम 3 दिन आप इसका सेवन कीजिए। 3 दिन में अगर आपको लगता है कि अगेन आपको वही सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप इस पानी को पीना छोड़ सकते हैं, फिर सर्दियों में आप इसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस बिल्कुल नई और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किचन में चलना पड़ेगा। किचन में जाके हम देखते हैं कि हमें इस अजवाइन वाली चाय को कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में क्या चीज़ लेनी है, सारी चीज़ें हम देखेंगे किचन में चल के। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं किचन में। यहाँ मैंने ये एक पैन ले लिया है और गैस को मैंने अभी फ्लेम ऑन कर दिया है, और अब यहाँ पे मैंने लिया है ये 1 गिलास पानी। ठीक है, तो ये आपको पानी जितना आपको चाय बनानी है, इससे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पानी ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट हम डालने वाले हैं, दैट इज़ अजवाइन। अजवाइन हमारा वज़न कम करने में हमारी हेल्प करता है। अजवाइन के अर्क में एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि वज़न कम करने पर हमें सीधा असर डालते हैं। अजवाइन पाचन को भी सुधारती है, यानी कि हमारे डाइजेशन को भी बेटर करती है, कब्ज, एसिडिटी, गैस की समस्याओं को भी दूर करती है, और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमने कितना अजवाइन लिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ आधा चम्मच अजवाइन लिया है। बहुत ज़्यादा अजवाइन का सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा अजवाइन खाते हैं तो इससे आपको बॉडी हीट की प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी दिक्कतें आपको ना हो, इसलिए इससे ज़्यादा अजवाइन आपको नहीं लेना है। दूसरी चीज़ जो हम इसके लिए ले रहे हैं, दैट इज़ हरी इलायची। हरी इलायची को हाई ब्लड प्रेशर से लेकर शुगर और यहाँ तक कि पेट कम करने के लिए भी काफ़ी असरदार मसाला माना जाता है। इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइट्री फाइबर्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फोरस भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके अलावा इलायची में कई ऐसे अनेक पोषक तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को डालने से पहले पानी को अच्छे तरीके से हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इलायची को छील के डाला है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कूट के भी आप डाल सकते हैं। इलायची के जो छिलके होते हैं ना, वो आपको फेंकने नहीं हैं, वो भी आपको इसी पानी में डाल देने हैं। और अब इस पानी को हम पका लेंगे अच्छे तरीके से, इसमें एक बॉईल आने देंगे। तब तक पानी उबलता है, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें बॉईल होने लग रही हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हमारा अगला इंग्रेडिएंट, दैट इज़ गुड़, यानी कि जैगरी। यहाँ पे मैंने ये आधा चम्मच गुड़ लिया है। आप गुड़ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, या फिर आप एक गुड़ का छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं। गुड़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम होता है, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं उसको निकालता है, और हमारी हृदय संबंधी जो रोग होते हैं उनका खतरे को ये कम करता है। गुड़ हमारी पाचन में भी हेल्प करता है, ये हमारे एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है जिससे हमारा पाचन सुधरता है। अपच, कब्ज और पेट फूलने की जो समस्या होती है उसको दूर करने में भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप लोगों को ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है तो आपको गुड़ का सेवन अपने डाइट में ज़रूर करना चाहिए। क्वांटिटी का आप ध्यान रखें, इससे ज़्यादा क्वांटिटी का इस्तेमाल आपको इस ड्रिंक को बनाने के लिए गुड़ का इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा, ये जो आपका पानी है 1 कप से करीब 1.25 कप, यानी कि 1 कप से ये अगर 3/4 कप रह जाता है पानी, इतना आपको इसको पका लेना है। पकाने के बाद इसको अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। अब इसको आप 2 तरीके से पी सकते हो। अगर आप इसको सर्दियों में पी रहे हो तो इसको अभी आप छान लेंगे और छान के आप इसको सिप सिप करके इसी वक्त पी लेंगे। गर्मियों में अगर आप पी रहे हो तो आप इसको फ्रिज में ठंडा करके, या फिर आप इसमें आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करके तब आप इसको पी सकते हैं। जी हाँ, फ़ायदा आपको बिल्कुल पूरा होगा। आपका पेट कम करने में, वज़न कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस ड्रिंक को आप बनाइए। इस ड्रिंक को आप खाना खाने के बाद किसी भी टाइम ले सकते हैं।
सकते हैं। लंच के आप 15 मिनट के बाद ले लीजिए, डिनर के 15 मिनट के बाद ले लीजिए। दिन में 2 बार आपको ये पीना है, 100% इससे आपको फ़ायदा होगा। ट्राई ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज आप डेली कीजिए, साथ में अपनी ओवरऑल डाइट का भी ध्यान रखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।